क्या कोई शख्स आपको भी इग्नोर करता है? और जब हमें कोई इग्नोर करता है तो एक्चुअल में बहुत बुरा लगता है दिल से, चाहे वो हमारा कोई फ्रेंड हो, चाहे वो हमारा बिजनेस पार्टनर हो, या हमारा कोई लाइफ पार्टनर हो, या हमारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, कोई भी आपको अगर इग्नोर करता है तो दिल से बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो कुछ ऐसे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जिससे हम उन चीज़ों को रिकवर कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि फाइंड द रीज़न। आपको रीज़न पता होना चाहिए कि आपको जो पर्सन इग्नोर कर रहा है तो वो इग्नोर क्यों कर रहा है। इग्नोर ये भी देखना पड़ेगा कि कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला शख्स इसलिए भी इग्नोर करता है, लाइक कि आपको लेके इसलिए भी उसकी इंटेंशन नहीं है, लाइक कि आप खुद के करियर को लेके आप सीरियस नहीं हैं। तो आप मतलब अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें, अपनी लाइक अपने करियर का भी ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस सामने वाले की नज़रों में कम हो जाता है हमारा, जब हम अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं होते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है किसी के इग्नोर करने का। वहीं पर सेकंड पॉइंट है, गिव देयर स्पेस ऑफ ए पर्सन, लाइक कि उसे वहाँ पर थोड़ा आप स्पेस दो, वहाँ पर थोड़ा टाइम दो। अगर आपको लग रहा है कि आपने वहाँ पर कोई गलती की है और वो शख्स आपको इग्नोर कर रहा है, वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा स्पेस दो, थोड़ा टाइम दो। और लाइक वहाँ पर, क्योंकि ऐसा होता है ना, कई बार हमें लगता है कि अरे उस शख्स की इतनी हिम्मत, लाइक कि मुझे इग्नोर कैसे कर सकता है, मेरा रिप्लाई नहीं दिया, उसकी कैसे हिम्मत। तो मतलब ये चीज़ें आप ना सोचें, उसे वहाँ पर थोड़ा वक्त दें अगर कोई भी शख्स आपको इग्नोर कर रहा है तो। इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए थर्ड पॉइंट ये है कि लाइक बिकम अ बिजी इन योर वर्क, अपने कामों में थोड़ा आप बिजी हो जाओ, लाइक जो भी आप काम कम कर रहे थे उन चीज़ों को थोड़ा सा आप इंक्रीज़ कर लें लाइक, और वहाँ पर अपने काम में थोड़ा सा आप बिजी हो जाएं, तो वो आपके लिए बेटर होगा। उससे क्या होगा कि आपको वहाँ पर उन चीज़ों पे आपका बेवजह की बेमतलबी चीज़ों पे ध्यान आपका कम जाएगा। तो बिकम अ बिजी लाइक इन योर वर्क, आप अपने कामों में थोड़ा बिजी हो जाएं, जिससे कि आपका वहाँ पर आपको कोई इग्नोर कर रहा है नहीं कर रहा है, इस चीज़ से बहुत कम फर्क पड़ेगा। वहीं पर फोर्थ पॉइंट है लाइक ट्राई टू मीट फेस टू फेस, आप वहाँ पर मतलब कोशिश करो कि वो जो गलतियाँ हुई हैं आपसे, या अगर आपने कोई ऐसी गलती की है, सामने वाला शख्स आपको इग्नोर कर रहा है और आप बात करना चाह रहे हैं, लाइक आप मैसेज कर रहे हैं, आप कॉल कर रहे हैं, वहाँ से कॉल रिसीव नहीं हो रही है, आपको मैसेज पे रिप्लाई नहीं आ रहा है, या कई बार होता है आप हैंग आउट करना चाहते हैं, लाइक आउटसाइड बाहर जाना चाहते हैं, तो वो कम मतलब वो शख्स नहीं चाह रहा आपके साथ बाहर घूमना जाना, आप ट्राई करें फेस टू फेस मिलने की और वहाँ पर चीज़ों को फाइंड आउट करें, तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और ये बहुत ज़्यादा मतलब बेटर रहेगा अगर आप फेस टू फेस मिलके इस चीज़ पे बात करेंगे, लाइक कि आप मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हैं क्यों। वहीं पर लास्ट पॉइंट पे मैं बात करूँगा लाइक बी अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक, अगर आपको लग रहा है कि आपकी गलती की वजह से वो शख्स आपको इग्नोर कर रहा है, वो आपको इग्नोर कर रही है, तो वहाँ पर जो है पर गलती मानने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, जो भी अगर आपको लग रहा है कि आपने यहाँ पर गलती की है तो उसके लिए आपको जरा भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए, जिससे क्या है कि आपके जो रिश्ते हैं, जो रिलेशंस हैं लाइक वो बने रहेंगे।